पिछले 14 महीने से यूक्रेन के साथ लड़ रहे रूसी सैनिकों का हौसला अपस्त होता नजर आ रहा है। इसका खुलासा ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के एक ट्वीट में हुआ है, जिसमें कहा गया है कि यूक्रेनी सैनिकों के साथ रूस के जवान अब लड़ने इनकार कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें जिंदान की कठोर सजा से गुजरना पड़ रहा है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के अनुसार रूसी सैनिक यूक्रेन में जारी युद्ध को लड़ने के साथ क्रेमलिन के जरिए अनुबंध को समाप्त करने में जुटे हुए हैं, जिसके लिए उन्हें जिंदान नामक पिंजरे में डाला जा रहा है। जवानों को मिल रही ऐसी सजा के बारे में और जानकारी देते हुए ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने जिंदान के बारे में कई रिपोर्ट सुनी और देखी हैं। इनमें जमीन में छेद होते हैं जो धातु की जाली से ढके होते हैं। इसे मध्यकालीन तकनीकी के सहारे रूसी सैनिकों को दंडित किया जा रहा है। ब्रिटेन के मंत्रालय द्वारा जारी दैनिक खुफिया अपडेट में यह साफ किया गया है कि प्राचीन पद्धति पर मिलने वाली जिंदान की सजा को रूसी कमांडरों ने हाल ही के समय शुरू किया है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मध्यकालीन में रूस में यह सजा दी जाती थी कि जो कि 20वीं सदी की शुरुआत में मध्य एशिया के कुछ हिस्सों में भी दी गई। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस रणनीति में बदलाव तब हुआ जब रूस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल वालेरी गेरासिमोव ने यूक्रेन में सैन्य अभियानों को अपने नियंत्रण में लिया। हाल ही में रूस के कुछ जवानों से जुड़ी एक रिपोर्ट भी आई है, जिसमें दावा किया गया है कि युद्ध के बीच रूसी सैनिक शराब के नशे में रहते हैं। ब्रिटेन अखबार द टेलीग्राफ ने अपने रिपोर्ट में दावा किया है कि रसिया के थर्ड आर्मी कॉर्प्स के सैनिक अक्सर नशे में धुत रहते हैं। इसके साथ ही कई सैनिकों ने अपने अनुबंध को समाप्त करने का प्रयास भी किया है। यानी कि साफ तौर पर देखा जाए तो पिछले 14 महीनों से यूक्रेनी सेना के मजबूत हिम्मत के सामने विश्व के सबसे ताकतवर आर्मी में शामिल रूस के जवान कमजोर होते नजर आ रहे हैं। अब 24 फरवरी 2022 से शुरू हुई रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ताजा अपडेट क्या है उसे भी जान लीजिए। पिछले 14 महीने से रूस के कड़ी चुनौतियों के साथ युद्ध लड़ रहे यूक्रेन को एक बार फिर से अमेरिका का साथ मिलता हुआ दिख रहा है। यूएस की जो बाइडेन सरकार ने यूक्रेन को सेंसर देने का काम शुरू कर दिया है। ऐसे सेंसर के जरिए परमाणु हथियार या किसी बम से निकलने वाले रेडिएशन का पता लगाकर हमला करने वालों की पहचान की जा सकती है। वहीं न्यूक्लियर इमरजेंसी सपोर्ट टीम यानी कि नेस्ट, जो कि सुरक्षा एजेंसी से जुड़े एटॉमिक एक्सपर्ट्स की एक यूनिट है और इस समय यूक्रेन में यूनिट रेडिएशन सेंसर तैनात करने के साथ लोगों को ट्रेनिंग और डेटा मॉनिटरिंग का काम कर रही है। उसका मानना है कि एटॉमिक सेंसर का नेटवर्क पूरे क्षेत्र में तैनात किया जा रहा है और इसमें किसी भी परमाणु विस्फोट के आकार और जगह के साथ असर को भी पहचानने की क्षमता होगी। इसके अलावा एनईएसटी का ये भी कहना है कि अमेरिका द्वारा मिला सेंसर रूस को यूक्रेन में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने का मौका नहीं देगा। पिछले साल भर से ज्यादा समय से रूसी सैनिकों का सामना कर रही यूक्रेन ने हाल ही में रसिया पर एक बड़ा अटैक किया है। ये हमला एक ड्रोन अटैक था जिसे क्रीमिया के एक जेल भंडार पर किया गया। इस हमले में लगी आग की लहर इतनी तेज थी कि धीरे धीरे ये 11,000 वर्ग फीट दायरे में फैल गई। आपको बता दें कि क्रीमिया पूर्वी यूरोप में बसा एक प्रायद्वीप है जहां रूसी मूल के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो वहीं रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत अभी भी तटस्थ स्थिति में बना हुआ है, क्योंकि भारत सीरिया के साथ यूक्रेन के पीछे खड़े अमेरिका से भी अच्छा संबंध रखना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।